देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बिजनेस की पोजीशन, बिजनेस की परफॉर्मेंस बताता है, और बिजनेस की परफॉर्मेंस बताता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको एनालाइज करके ये पता लगाया जा सकता है कि बिजनेस के एक एक एलिमेंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस के एलिमेंट्स हैं, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो आइए आज इसी को डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विकास मनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू एनालाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये इस सीरीज का पार्ट टू है। इस सीरीज में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के एक एक एलिमेंट को डिटेल में समझ रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि कैसे इसको एनालाइज करें। इस वीडियो में हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन कॉस्ट। इसको एनालाइज करने के लिए ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इस टर्म को ब्रेक करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है बनाना, कॉस्ट मतलब होता है खर्चा। किसी चीज को बनाने का जो खर्चा है उसे हम कह सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। इसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो एक्सक्लूड होती है, क्योंकि रॉ मटेरियल हम बना नहीं रहे, हमने बना बनाया कहीं से खरीदा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, उसकी जो कन्वर्जन कॉस्ट होती है उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसको हम अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के नाम से भी जान सकते हैं। और किस तरह के खर्चे इसमें इंक्लूड होते हैं? अब जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल खरीद लिया, उसको कन्वर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स में लेबर उस पर काम करेगी तो लेबर के खर्चे, मशीन के थ्रू काम करेंगे तो वो पावर भी कंज्यूम करेगी, फ्यूल भी कंज्यूम करेगी तो पावर एंड फ्यूल, छोटे छोटे पार्ट्स उसमें ऐड करने पड़ेंगे प्रोडक्ट में तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स, फिनिश गुड्स बनने के बाद उसको पैक करेंगे तो पैकिंग का खर्चा, मशीन हो सकता है रेंट पे ली हो, उसमें कुछ रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है तो रेंट एंड रिपेयर्स, जिस फैक्ट्री में गुड्स को बना रहे हैं उस फैक्ट्री का हो सकता है रेंट देना हो, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे तो अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो किसी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक की स्टेज पर ले जाने के खर्चों को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसको हम एनालाइज कैसे करें? सबसे पहले इसमें आप देखें आइटम वाइज कॉस्ट एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू सेल। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्यूल, डीजल भी यूज करें अगर और पेट्रोल भी यूज करें तो डीजल आपको कितना पड़ रहा है, कितना एफिशिएंट दे रहा है और पेट्रोल किस लेवल पर आपको एफिशिएंसी दे रहा है। पर यूनिट कॉस्ट देखें प्रोडक्ट वाइज, जो भी सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट वाइज सेल देखें पर यूनिट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल जैसे अगर 40 प्रोडक्ट्स में कंपनी डील कर रही है तो हर प्रोडक्ट की लेबर कॉस्ट क्या आ रही है पर यूनिट वाइज। तो किसी प्रोडक्ट में अगर ज्यादा है तो आप उसके एलिमेंट को फोकस करके कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी एक्सपेंस के मेजर एलिमेंट में कोई चेंज होता है तो उसका रीजन देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर लेबर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सेल का 5 से 6% थी, ऑल ऑफ अ सडन अब 8% दिखा रही है, तो ऐसा क्या हुआ जो इतना चेंज आया, इसको आप डिस्कस करेंगे। और ये भी मेक श्योर करेंगे कि जो ऑपरेशन मार्जिन निकालने के लिए जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेनी होती है वो सारी आप कंसिडर कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा जो है वो मिस हो गया हो। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन कॉस्ट को। अब बात करते हैं फाइनेंस कॉस्ट, इसको कैसे एनालाइज करें। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस बेसिकली होता क्या है? बिजनेस कहीं और से फंडिंग ले रहा है तो उस पर ऑफकोर्स अगर कहीं से उधार ले रहा है तो उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ने 1 लाख का लोन लिया और फाइनली वो 1 लाख देगा तो ये कोई खर्चा नहीं हुआ, 1 लाख मिले 1 लाख दिए, बट उसके ऊपर कोई भी खर्चा उसको जो देना पड़ रहा है वो फाइनेंस कॉस्ट है। जैसे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बैंक को डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस देने पड़ रहे हैं, अगर फॉरेन करेंसी का लोन है तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से कोई अमाउंट पे करना पड़ रहा है तो वो। बट इसमें हम एक चीज और देख सकते हैं, डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर डिविडेंड दिया जा रहा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इन द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि इन द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, अदरवाइज वो भी हमारे लिए एक फाइनेंस एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली लिंक है फिक्स एसेट से वो उस फिक्स एसेट का पार्ट बनेगी, फाइनेंस का पार्ट नहीं। मतलब अगर कोई लोन लिया गया है फिक्स एसेट के प्रोडक्शन के लिए, एक्विजिशन के लिए या फिर उसको बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, और उस कॉस्ट से वो डायरेक्टली लिंक है तो फिर वो उस कॉस्ट का पार्ट बनेगी, फिक्स एसेट का पार्ट बनेगी उसकी कॉस्ट का, वो फाइनेंस कॉस्ट में आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसको एनालाइज कैसे करें? सबसे पहले इसमें आप देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट,
क्योंकि अगर बिजनेस ग्रोस प्रॉफिट लेवल पर ही अगर सफिशियंट अर्निंग नहीं है तो दैट मीन्स बिजनेस की सिचुएशन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, फाइनेंस से उस पर एक्स्ट्रा बर्डन हो सकता है। फाइनेंस कॉस्ट देखेंगे परसेंटेज टू टोटल ऑपरेटिंग सेल, जिससे आप ये देख पाएंगे कि जो फाइनेंस कॉस्ट है वो रेवेन्यू को कितना परसेंट कैरी कर रही है। और ये भी देखेंगे कि जो प्रॉफिट है, ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंस कॉस्ट प्रॉफिट का बहुत बड़ा पार्ट कैरी कर रही है। मान लीजिए टोटल प्रॉफिट है 100 और फाइनेंस कॉस्ट है 60, तो इससे क्या होगा, जो बिजनेस के अदर एक्सपेंसेस हैं उसको मीटअप करने के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज क्रिएट होगा। इसमें एक एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सेप्शन ये हो सकता है कि अगर इंडस्ट्री कैपिटल इन्वेस्टमेंट फेज में है तो वो इसका एक्सेप्शन है। कई बार क्या होता है, बिजनेस जो होता है वो बहुत बड़ी कैपिटल एक साथ वो इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले कुछ सालों बाद स्टार्ट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 साल बाद, 10 साल बाद प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा, बट बिजनेस में बहुत स्ट्रोंग होल्ड लेने के लिए बहुत बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सिचुएशन इस केस का एक्सेप्शन है। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं फाइनेंस कॉस्ट को। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन को कैसे एनालाइज करें। डेप्रिसिएशन होता क्या है, अब इस इमेज को देखें। अब जैसे ये कार जब नई होगी तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती होगी, बट जैसे जैसे पुरानी हो जाती है इसकी जो यूजफुल कैपेसिटी है, इसका जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे हम चीजों को यूज करते हैं वो पुरानी होती जाती है, उनकी परफॉर्मेंस में डाउनफॉल आता है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है मशीन्स के केस में। कोई मशीनरी जब आप खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 साल पहले एक मशीन खरीदी थी, आज वो उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाएगी जो नई नई थी जब तब कर रही थी। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मशीन खरीदी और ये मान के चल रहे हैं कि 10 साल तक आप उसको सही से यूज कर सकते हैं। पेमेंट तो आप अभी कर रहे हैं, बट 10 साल तक आप उसको यूज करेंगे तो उसका जो 10वां हिस्सा है वो आप हर साल रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस, जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये बेसिकली एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, क्योंकि पेमेंट तो फर्स्ट ईयर में ही होगी, बाकी टर्म में हम सिर्फ इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस कर रहे हैं जो एक्चुअल में कैश पेमेंट नहीं है। और इसमें जो बेसिकली इम्पैक्ट होता है वो होता है यूजफुल लाइफ की वजह से। और ये भी देखा जाता है कि वियर एंड टीयर कितना ज्यादा है, अगर वियर एंड टीयर ज्यादा है तो यूजफुल लाइफ इसमें कम होगी। क्यों इसको एनालाइज करना जरूरी है, कई बार क्या होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है 1 लाख की, एक्चुअल में वो 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ होनी चाहिए, तो दैट मीन्स हर साल आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसमें 10,000। बट बिजनेस अगर शो कर रहा है कि 20 साल इसको यूज करेंगे तो हर साल उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 5,000। एक तरह से हम देखा जाए तो कम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं जिससे प्रॉफिट बढ़ा हुआ आएगा, जो गलत है। तो इसलिए एनालाइज करने की अगर बात करें तो इसमें देखना चाहिए कि डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, क्या रेट लगा रहे हैं, क्या यूजफुल लाइफ कंसिडर कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग में कितना था, एंड में कितना है। अगर बहुत ज्यादा कोई चेंज हुआ है तो क्या कोई बड़ी मशीनरी खरीदी है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है बिजनेस पर, क्या प्रॉफिट पे उसका कोई सब्सटेंशियल इम्पैक्ट पड़ा है। अगर एसेट की रिवैल्यूएशन करते हैं तो उसका मेथड क्या है, और क्या उससे जो एसेट की वैल्यू है उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है, अगर आया है तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। कैसे आप चेक करें, कौन से इसके चेक पॉइंट हो सकते हैं, सबसे पहले ये मेक श्योर करें कि डेप्रिसिएशन उन सभी एसेट्स पर चार्ज किया जा चुका है जो डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं। यूजफुल लाइफ वही ली गई है जो कंपनी एक्ट में बताई गई है, क्योंकि कंपनी एक्ट में क्लासिफाई किया गया है क्लास ऑफ एसेट के लिए क्या यूजफुल लाइफ होनी चाहिए, तो क्या आपने वही ली है, और अगर नहीं तो आपके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। और अगर जस्टिफिकेशन भी नहीं है तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन या तो ज्यादा चार्ज किया है या कम चार्ज किया है, जिससे प्रॉफिट जो है वो कम या ज्यादा दिखाई देगा जो एक्चुअल में सही नहीं है। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं डेप्रिसिएशन को। तो आज की इस वीडियो में हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन को समझा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।